ਸਿਕਾ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਵ ਕਰੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੜਚਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਮਹਾਰਾਥੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਆ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत 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 अच्छा लव करूं या शादी जी इतनी फिल्मों में आपने काम किया है ठीक है ना नेगेटिव भी पॉजिटिव भी सभी कैरेक्टर आपने किए हैं इस फिल्म एक्सपीरियंस कैसा रहा बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छा इसकी वजह यह है कि जिस तरह का कैरेक्टर ये है उस तरह का मैं भी हूँ परिवार को लेके चलने वाला परिवार के लिए समर्पित सिद्धांतवादी अपने विचार रखता है लेकिन पारिवारिक समस्याओं को किस तरह से सुलझाना है हर परिवार में समस्याएं होती हैं हर परिवार में कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे खड़े हो जाते हैं कभी कई बार बहुत ही संजीदा मुद्दे भी होते हैं जी। तो ऐसी स्थिति में किस तरह से एक फैमिली हेड के तौर पर इन समस्याओं को टैकल करें इन समस्याओं को सुलझाएं ये काम एक फादर का होता है फैमिली हेड का होता है मैं इस फिल्म में बिजनेस फैमिली बिजनेस मैन फैमिली हेड एक बिजनेस फैमिली है उसका फैमिली हेड हूँ फादर हूँ बहुत ही लविंग फादर है बहुत ही लविंग हस्बैंड है ये मेरे अब बेटे का रोल कर रहे हैं हीरो हैं इस फिल्म के किस तरह से ये इन समस्याओं को टैकल करते हुए आगे बढ़ता है ये देखने वाली बात है मतलब एक रोमांटिक स्टोरी भी चल रही है इसमें परिवार की समस्याएं भी चल रहे हैं रोमांटिक स्टोरी की अपनी समस्याएं हैं इन सारी समस्याओं को सुलझाते हुए हमारे डायरेक्टर साहब ने जिस तरह से इस फिल्म का ताना बाना बुना है बहुत ही एंटरटेनिंग वे में बहुत ही मनोरंजक ढंग से इस फिल्म को लेके गए हैं और वो सॉल्यूशन दिखाया कि कैसे हम खुश रह सकते हैं एक परिवार में रहते हुए जी हमारे साथ हैं कॉमेडी तो होना जरूरी है इस फिल्म में कॉमेडी रंग है या प्रॉपर सीरियस रंग है आपका नहीं कॉमेडी है ऑफ कोर्स कॉमेडी है क्योंकि जय भाई ने इसलिए तो मुझे लिया हम रहेंगे तो कॉमेडी ही करेंगे लोग तो वही एक्सपेक्ट करते हैं मैं कहा अमिताभ बच्चन का रोल करने जा रहा हूँ या गोविंद जी का रोल करने जा रहा हूँ जो मेरी पर्सनैलिटी है जो मेरा एक मेरी जो स्टाइल है कॉमेडी की उसके जरिए मैंने कैरेक्टर किया बहुत खूबसूरत कैरेक्टर है शादी जोड़ने वाला कैरेक्टर ने किया बहुत सालों के बाद ऐसा कैरेक्टर देखेगा पहले तो फिल्म में बहुत पंडित जी वगैरह होते थे ये मॉडर्न पंडित जी है स्कूटर पे घूम रहा है लैपटॉप लेके घूम रहा है ऐसे बढ़िया कैरेक्टर है एंड ऑफ द डे बढ़िया हमारी फिल्म है फिल्म अच्छी है उसका स्क्रीन प्ले अच्छा है उसकी स्टोरी अच्छा है तो अपने आप कैरेक्टर अच्छे होते हैं तो वो कैरेक्टर छोटा होने के बावजूद भी मेरा बहुत अच्छा कैरेक्टर है मैं बहुत इस फिल्म में लोगों को एंटरटेन करूंगा और हमारी फिल्म भी एंटरटेन जी जिस इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जैसे फिल्म डिजाइन किया आपने तो मन में क्या था कि स्टार कास्ट ये होनी चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये होता है जब हमारे पास स्टोरी आती है तो कैरेक्टर कैसे फाइनल करें देखिए क्या होता है बीइंग अ डायरेक्टर हर तरह की फिल्में बनानी पड़ती है हर तरह की कहानियों को ऑब्जर्व करना पड़ता है देखना पड़ता है सुनना पड़ता है सबसे पहले मेरे दिमाग में टाइटल आया था कहानी बनाने से पहले कभी कभी टाइटल कहानी लिखवा देती है और कभी कभी कहानी के हिसाब से हम टाइटल सिलेक्ट करते हैं जब हमारे पास ये टाइटल अचानक दिमाग में आया तो लव करूँ या शादी क्योंकि ये आम लाइफ की आम जीवन की हर वर्ग के नॉट ओनली यंगस्टर भी आप मिडिल एज हो अपर एज हो यू नो टीनेजर हो तो सबके लाइफ में ये दौर आती है प्यार का ऐसा नहीं है कि आज हम शादी कर लिए प्यार किसी से नहीं हो सकता हो सकता है नंबर नो तो जीवन में कभी कभी आती है कि प्यार में भी ऐसे बहुत सारे वाकई जो रियल लाइफ में हम किससे सुनते हैं या हमारे मित्र या हमारे और भी लोगों से सुनता हूँ कि प्यार में भी अचानक प्यार में थे सडनली सेपरेशन हो गया दोनों में झगड़े हो गए किस बात के लिए हुए और दूसरी बात शादी में भी है शादी के बाद भी किसी पति पत्नी में नहीं जन पाता है डिवोर्स तक नौबत आ जाती है ये भी एक समस्या का कारण है और सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आज के जो यूथ है आज के जो यंगस्टर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो वो कितने अपने परिवार के प्रति समर्पित है क्या अपने माँ बाप के आदेश के हिसाब से उन अपने जहाँ भी वो बोलते हैं शादी करते हैं बहुत रेयर है आज के बोलो कि चलो 20 साल 21 साल 22 साल हो गए चलो शादी की तैयारी कर लो बहुत इतने हो गए जिनको बिजनेस संभालनी है चलो ठीक है
पैसे वाले घर वाले आदमी पैसे वाले के ही साथ रिश्ता करना चाहेगा, लेकिन प्यार कभी ये नहीं देखता पैसा दौलत अमीर गरीब कभी नहीं देखता है, यू नो रिश्ते जरूर अमीर गरीबी को देखा जाता है कि भाई हमारे लेवल का संबंध है कि नहीं है, ये भी एक पहलू है। और आजकल तो शादियां भी मतलब कि शादी के नाम पर सही माने में देखा जाए तो शोबाजी है, करोड़ों करोड़ों के खर्चे होते हैं शादियों में, आप अनुमान नहीं कर सकते हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य ऐसा कि इतने माँ बाप कितने करोड़ों खर्चे करके शादियां करते हैं, सडनली बीच में ब्रेकअप हो जाए तो क्या गुजरते होगी इस माँ बाप के ऊपर, ये भी एक पहलू है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन एग्जैक्टली पता चला कि वो लड़का ही लड़की से खुश नहीं है या लड़की लड़के से खुश नहीं है, पहलू दोनों तरफ से होती है। तो फिर माँ बाप को भी ये देखना सोचना चाहिए कि भाई कि लड़का किसमें खुश है या लड़की किसमें खुश है, ठीक है ना। उसी तरह से लड़के लड़की को भी ये सोचना चाहिए कि माँ बाप की खुशी किसमें है, दोनों पहलू होती है, ठीक है। तो इसी इर्द गिर्द के बीच में जो हमारी कहानी है वो दोनों चीज को दर्शाती है, प्यार और शादी। और अल्टीमेटली जाहिर सी बात है शादी ही विजय होती है, शादी ही होती है सबकी। और एक एंटरटेनमेंट के साथ साथ कॉमेडी के साथ साथ एक सोशल सटायर है, सोशल ड्रामा है, मैसेज है, सोशल मैसेज भी है और म्यूजिकल लव स्टोरी भी है, ट्रायंगल लव स्टोरी भी है जिसमें गोविंद जी ने बहुत बढ़िया, आप क्लाइमेक्स जब देखेंगे तो आपके आंख से आंसू जरूर गिर गए इतना मैं कह सकता हूँ जो इन्होंने क्लाइमेक्स में किया है। और विजय भाई मतलब कि कॉमेडी नहीं किया उन्होंने, वो सिचुएशन एक नॉर्मल लाइफ उन्होंने एक्टिंग नहीं की है, उन्होंने एक नेचुरल चीज को उसी ढंग से प्रेजेंट किया है। तो जितना भी उन्होंने काम किया नॉर्मली एग्जैक्टली उसी तरह से आकाश अपकमिंग लड़का है, इस फिल्म से इंट्रोड्यूस हुआ है जी। बहुत अच्छा काम किया है, आगे इसका फ्यूचर ब्राइट है। और भी हमारे फिल्म में कलाकार हैं, अली असगर, मिलिंद गुना जी, फैजा आजादी, बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर हैं और एक हीरो और है निशा कपूर, वेल नोन एक्टर अनु कपूर का नेफ्यू है और हीरोइन को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो कुल मिला के एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट, या क्योंकि फिल्म क्या है एंटरटेनमेंट है, कोई भी फिल्म बने पब्लिक को पसंद आनी चाहिए, चाहे वो हार्ड हिटिंग हो, चाहे एक्शन हो, चाहे रोमांटिक हो, चाहे फैमिली ड्रामा हो, कुछ भी हो, मतलब बोरिंग नहीं होना चाहिए कि मतलब कि हम एक मैसेज ही सिर्फ मैसेज दे रहे हैं, नहीं। फिल्म एक एंटरटेनमेंट माध्यम है जिसको हम मैसेज वाले भी चीज होती है तो उसको सटायर रूप में कहते हुए निकल जाते हैं, अच्छाइयां आपको लेना है, बुराइयां आपको लेना है। आकाश ये तुम्हारा एक्सपीरियंस कितना रहा? आकाश आकाश सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है क्योंकि समय कम है हमारे पास, क्योंकि इशारा हो चुका है इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करके कैसा लगा? पहले तो सारे सत श्री अकाल, इन्हें वड्डे कलाकारां नाल काम करके मैं ते मतलब बहुत ही हैप्पी हाँ, प्राउड भी फील करदा नालो, ते बड़ा कुछ सीखण नूं मिलिया एक्टिंग च, बंदा करदा है धीरे धीरे सारी चीज़ां सीखदा है, ते वड्डे कलाकार जद मिल जांदे ने ते उन्हां दे एक्सपीरियंस भी काउंट होके सानूं मिलदे ने, ते गोविंद सर मेरे फादर दा करैक्टर कर रहे ने ते इन्हां दे तो मैनूं बड़ा सीखण नूं मिलिया किवें एक डायलॉग डिलीवरी किवें होंदी है की है सारा कुछ। ते बाकी विजय सर हैगे तो मैं टाइमिंग सीखी कि कॉमेडी जी होती है टाइमिंग कितनी वधिया होती है, हाँ सब तो जरूरी है कि टाइमिंग होनी नहीं तो फिर हंसी नहीं आनी। तो मतलब मैं बहुत ही मतलब वाहगुरु का शुकराना करदा कि मतलब बहुत ही अच्छा मैं टीम मिली तो बहुत कुछ मैं सीखने को मिला। थैंक यू।